हेलो, मैं हूं आपका ट्रेनर सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ फिटनेस ऑफिशियल। आज हम लोग का टॉपिक है होम एक्सरसाइज, जिसमें कि हम लोग इस एक्सरसाइज को अपने घर में, अपने पार्क में, अपने बेडरूम में, अपने हॉल में, कहीं पर भी हम लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सरसाइज को करने के लिए किसी भी चीज का जरूरत नहीं है, बस एक मैट लगा ले और करें एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज करने में बस कुछ बेसिक चीज को ध्यान में रखना है, जैसे कि एक्सरसाइज करने से एक घंटा पहले तक कुछ खाना नहीं खाए, मतलब कि एक घंटा एक्सरसाइज, मतलब कि आप 3 बजे से एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो 2 बजे से पहले खाना खा ले, 2 बजे के बाद खाना नहीं खाए। खाना और एक्सरसाइज में 1 घंटा का कम से कम अंतर होना चाहिए और एक्सरसाइज एम्प्टी स्टमक करें। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। यह है हम लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है लेग रेज। इसका हम लोग 5 सेट करेंगे, 5 सेट मतलब कि 5 बार करेंगे और 1 सेट में मैक्सिमम रेपिटेशन रखेंगे, आपसे जितना हो पाए उतना रेपिटेशन रखेंगे, क्योंकि ये जिम एक्सरसाइज तो है नहीं, ये होम एक्सरसाइज है, इसलिए मैक्सिमम रेप पर जाए। रेपिटेशन मतलब कि जैसे आप 20 कर रहे हैं, एक बार में 20 कर रहे हैं, मतलब 20 रेपिटेशन हुआ। इसका हम लोग 5 सेट करेंगे मैक्सिमम रेपिटेशन का, यानी 5 बार करेंगे, एक बार में जितना जितना हो जाए उसी को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो ये है होम एक्सरसाइज का पहला एक्सरसाइज लेग रेज। ये मेनली स्टमक के लिए किया जाता है, मतलब कि एब्स का एक्सरसाइज है। इसका हम लोग करेंगे मैक्सिमम रिपिटेशन। इसमें ये बात का ध्यान रखें कि पैर नीचे नहीं, पैर को सटाना है, बस ऊपर से ऊपर करते जाना है। नीचे पैर नहीं सटेगा, फ्लोर में पैर टच नहीं होगा। गर्दन को थोड़ा सा ऊपर कर ले ज्यादा फील के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज लेग रेज। अब हम लोग करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज, जो कि है अल्टरनेट लेग रेज। इसका भी हम लोग सेम करेंगे, 5 सेट और मैक्सिमम रिपीटेशन। आइए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड एक्सरसाइज। तो यह है हमारा स्टमक का सेकेंड एक्सरसाइज, मतलब कि एब्स का सेकेंड एक्सरसाइज, जो कि है अल्टरनेट लेग रेज। इसका भी हम लोग सेम वैसे ही करेंगे, फ्लोर में पैर टच नहीं होना चाहिए और गर्दन को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और थोड़ा सा स्पीड फास्ट रखेंगे पैर का। पैर को ना नीचे टच करे ना ही ज्यादा ऊपर ले जाए। इसका हम लोग मैक्सिमम रिपीटेशन करेंगे। तो ये था हमारा सेकेंड एक्सरसाइज अल्टरनेट लेग रेज, जिसका कि हम लोग 5 सेट करेंगे मैक्सिमम रेपिटेशन। अब हमारा थर्ड एक्सरसाइज है हाफ क्रंचेज, जिसका कि हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, 5 सेट मैक्सिमम रेपिटेशन। आइए अब हम लोग थर्ड सेट देखते हैं हाफ क्रंचेज। तो यह है थर्ड एक्सरसाइज हाफ क्रंचेज। इसमें हम लोग अपने सर के पास दोनों हाथ को रखेंगे और ऊपर आएंगे, स्लोली ऊपर आएंगे और स्लो नीचे जाएंगे। ऊपर आएंगे तो ब्रीथ आउट और नीचे ब्रीथ इन, ऊपर ब्रीथ आउट, जिसमें से हम लोग अपने मुंह से हवा ऊपर छोड़ेंगे। ऊपर में ब्रीथ आउट, नीचे ब्रीथ इन। इसका भी हम लोग सेम करेंगे, जितना मैक्सिमम हो सके, मैक्सिमम बार जितना हो सके, यानी जितना मैक्सिमम रिपीटेशन जा सके हम लोग जाएंगे, बस स्लो करेंगे। इसमें मेन चीज यही ध्यान रखना है, स्लो करेंगे। तो ये था हमारा तीसरा एक्सरसाइज हाफ क्रंचेज। अब हम लोग फोर्थ एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, जो कि है फुल क्रंचेज। फुल क्रंचेज करने के लिए किसी का सपोर्ट भी ले सकते हैं, जैसे किसी को अपने पैर के ऊपर खड़ा कर ले ताकि आपको बैलेंस मिल सके अच्छे से। इसका भी हम लोग 5 सेट करेंगे मैक्सिमम रिपीटेशन। तो यह हमारा फोर्थ एक्सरसाइज फुल क्रंचेज।
इसमें आप किसी का सपोर्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि किसी को अपने पैर के ऊपर खड़ा कर ले ताकि आपको एक्सरसाइज करने में सपोर्ट मिल सके। चलिए आइए अब हम लोग परफॉर्म करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज। इसका भी सेम करेंगे, ऊपर ब्रीथ आउट और नीचे ब्रीथ इन, ऊपर ब्रीथ आउट नीचे ब्रीथ इन। इसका भी हम लोग मैक्सिमम रिपीटेशन करेंगे, जितना आपसे हो सके, जितना बार आपसे हो सके, 5 सेट करेंगे, यानी कि 5 बार मैक्सिमम रिपीटेशन। बस ऊपर स्लो आए और नीचे स्लो जाए, ज्यादा फास्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करें, ज्यादा फास्ट इस एक्सरसाइज को परफॉर्म ना करें, स्लो स्लो। ऊपर ब्रीथ आउट, नीचे ब्रीथ इन। तो ये था हमारा फोर्थ एक्सरसाइज फुल क्रंचेस। अब हम लोग करेंगे फिफ्थ एक्सरसाइज। आइए अब हम लोग परफॉर्म करते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज। तो ये है हमारा होम एक्सरसाइज का फिफ्थ एक्सरसाइज। इसमें इसके जगह पर आपके घर में जो भी है उसको दो को रख ले, एक मैट के इस साइड और एक मैट के इस साइड। इस अगर जो कुछ भी चीज हो, अपने शूज को भी यहाँ पर रख सकते हैं, एक शूज को यहाँ पर और एक शूज को यहाँ पर, और उसके बाद एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। यहाँ पर हाथ रख ले कमर के जस्ट सामने, अपने हाथ को रख ले, थोड़ा सा पीछे बेंड हो जाए और इस एक्सरसाइज को करें। इस एक्सरसाइज को भी सेम करेंगे, मैक्सिमम रिपीटेशन जाएंगे, जितना आपसे हो सके उतना बार करेंगे, 5-5 बार। तो ये था हमारा फिफ्थ एक्सरसाइज जिसका कि हम लोग सेम किए 5 सेट मैक्सिमम रिपीटेशन। अब हम लोग करेंगे सिक्स्थ एक्सरसाइज। तो सेम यही पोजीशन में और यही दोनों साइड इसको रख के, इसके जगह पर शूज को भी रख के या कोई भी चीज बस यहां पर रख देना है दोनों साइड मैट का, और सेम सिक्स्थ एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे जो कि है, इसका भी हम लोग सेम करेंगे, मैक्सिमम रिपीटेशन जाएंगे 5 सेट। हमारा छठा एक्सरसाइज जिसका कि हम लोग सेम किए 5 सेट मैक्सिमम रिपीटेशन। अब हम लोग लास्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि है प्लैंक। इसका हम लोग मैक्सिमम टाइम करेंगे, जैसे कि इसमें सेकंड में किया जाता है, सेकंड मतलब जिससे 20 सेकंड हो रहा है 20 सेकंड करेंगे, मैक्सिमम 60 सेकंड करेंगे, जिससे 2 मिनट हो रहा है 2 मिनट करेंगे। सबसे पहले अपने मोबाइल को निकाल ले, उसमें स्टॉप वॉच में जाए और स्टॉप वॉच को स्टार्ट करें, उसके बाद प्लैंक को स्टार्ट कर दें। तो यह है होम एक्सरसाइज का लास्ट एक्सरसाइज जो कि है प्लैंक। इसमें हम लोग अपने मोबाइल को ले लेंगे और उसमें स्टॉप वॉच लगा के इस एक्सरसाइज को करेंगे। आइए करते हैं एक्सरसाइज। इसमें अपने दोनों हाथ को या तो सामने रखें, नहीं तो हाथ को फोल्ड करके भी रख सकते हैं, और कमर को ना ज्यादा ऊपर रखें ना नीचे रखें, कमर आपका फ्लैट होना चाहिए। इस सेट का टाइमिंग रहेगा मिनिमम 20 सेकंड और मैक्सिमम जितना सेकंड या जितना मिनट तक आप कर सकते हैं इसको। तो ये था हमारा लास्ट होम एक्सरसाइज प्लैंक जो कि हम लोग के एब्स का एक्सरसाइज था। तो यही हमारा एब्स का एक्सरसाइज खत्म होता है। अगर जो आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी और वीडियो कंटिन्यू हम रखेंगे। और हमारी अगली वीडियो होगी होम एक्सरसाइज जो कि होगी कार्डियो, जो कि फुल बॉडी फैट लॉस की एक्सरसाइज होगी।